नमस्कार, मैं दीप्ति आज लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल सी हलवाई स्टाइल एक रेसिपी जो सर्दियों के मौसम में ही आप बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही नया आलू आता है और छोटा आलू जो आता है उसकी ये रेसिपी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाई है और इसको कहते हैं बलूरे। यहाँ पर मैं हलवाई स्टाइल बलूरे लेकर आई हूँ, बढ़िया से प्लेटिंग करेंगे। और मैंने यहाँ पर बनाई है स्पेशल सी एक चटनी जो सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो बलूरे और ये चटनी दोनों का अगर आपको कॉम्बिनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखिए और रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये टेस्टी से बलूरे कैसे लगे। और साथ ही अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जो ये इजी सी रेसिपी बनाती हूँ ना, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है चाय के साथ या बच्चों के टिफ़िन के लिए, वो आप तक पहुँचती रहें। तो देरी ना करते हुए बना लेते हैं ये टेस्टी से बलूरे। और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, अभी ये बहुत गर्म है, ये आप देख सकते हैं कितना क्रंची सा बना हुआ है। इसको आप जब खाएंगे ना तो इस तरह से हल्का सा कट कर देंगे। और ये कच्चे और उबले दोनों तरह के आलूओं से बनता है। ये देखिए, छोड़ रही है ना रेसिपी धुआं बिल्कुल, और खाने वाले को भी मज़ा आ जाएगा। तो ये टेस्टी सी रेसिपी को आप करें इंजॉय इस चटनी के साथ। चलिए, ये टेस्टी सी जो बलूरे की रेसिपी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें ये छोटा वाला आलू। इस समय सर्दियों का मौसम है तो जो छोटा छोटा आलूओं के साथ नया आलू आता है ना, तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं छर्री आलू। तो इस छर्री आलू की शादियों में एक बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी बनती है जो बहुत ही सबको पसंद आती है। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। यहाँ पर ये छोटे साइज के मैंने कच्चे आलू लिए हैं और इनको हम छील लेंगे। अगर आप चाहें तो छीलें, वैसे तो इनको धो दिया जाता है रगड़ के, ये साफ़ हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर इन आलूओं को छील लिया है। वैसे ये छोटा आलू छीलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये बलूरे की बहुत ही मस्त रेसिपी है, आप इसको बना लीजिए बिना छीले, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पानी में डालकर मैंने यहाँ साइड में रखे हैं। इस प्लेट में लूँगी मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेने वाली हूँ मैं। प्लेट में इसको इस तरह से फैला देंगे। और ये जो आलू रखे हैं इनको पानी से निकाल कर थोड़ा सा इस तरह से पानी कर दीजिए और डाल देंगे इसमें। इन आलूओं में हमें कोटिंग करनी है। ये बहुत छोटे छोटे आलू हैं, अगर थोड़े से आपको बड़े आलू मिले हैं, छोटा आलू नहीं है, तो आप इनमें छेद भी कर सकते हैं, कांटे वगैरह की सहायता से बढ़िया सा इनमें छेद कर दीजिए। अब इन आलूओं को हम इस कॉर्न फ्लोर में अच्छे से लपेट देंगे इस तरह से, इसकी गोली ऐसी बना देंगे अच्छे से, इस पर कॉर्न फ्लोर चिपक जाए। ये देखिए, इस तरह से सारे मैं तैयार कर लूँगी। पहले यहाँ पर मैंने बढ़िया से अपनी ये गोलियाँ तैयार कर ली हैं बलूरे की, और जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है इसको हम हटा देंगे। ये एक्स्ट्रा है इसको मैं हटा दूँगी, इन्हें साइड में हम रख देंगे। यहाँ पर ले रही हूँ मैं इतने आलूओं के लिए लगभग 100 ग्राम बेसन। बेसन को आप छान के लें तो किसी भी तरह के लम्स वगैरह नहीं रहते हैं। अब इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले, मिर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार, बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच अमचूर पाउडर। यहाँ पर मैंने लिया है भुने हुए जीरे का थोड़ा सा पाउडर, आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं,
थोड़े ये चटपटे से बनते हैं, इसलिए आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मसाले भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर ले रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर, दो चुटकी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर आधा आधा चम्मच मिलाई हैं। अब यहाँ पर डालूंगी मैं इसमें दो चम्मच ऑयल, ताकि ये बहुत स्मूद सा बैटर बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे आप तो इसमें लम्स आ जाएंगे, हमें इसे धीमे धीमे घोलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इसमें 100 ग्राम पानी ही लगा है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट सी चीज़, जिससे ये देखने में बलूरे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जाएगा इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर, हमें यहाँ पर बेसन को इस तरह से फेंटना है। ये देखिए जैसे केक वगैरह का बैटर होता है ना, एकदम रनिंग वाला कि गिरता जाए, और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं रखना है। चलिए इसको थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ते हैं, तब तक हम बना लेते हैं इसके साथ खाने वाली टेस्टी सी टमाटर की एकदम सादा और सिंपल सी चटनी। यहाँ पर इस बलूरे के साथ जो हम चटनी बनाते हैं ना, वो बहुत ही स्पेशल बनती है और बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाती है। मैंने यहाँ पर दो कच्चे टमाटर लिए हैं, मिक्सी के जार में हम डाल देंगे। साथ में ले रही हूँ मैं एक प्याज छोटा सा, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्ची। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, ज़्यादा अगर चटपटा खाना है तो थोड़ी सी ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जीरा और 4 से 5 काली मिर्ची ली है, वो भी हम डाल देंगे। यहाँ पर धनिए का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, धनिया नहीं डालने वाली हूँ मैं। इसी तरह से ये टमाटर की चटनी बनेगी, नमक स्वाद के अनुसार, और चटनी को बनाएंगे हम पल्स मोड में, यानी कि इसको हमें इस तरह से पीसना है जैसे हमने इसे सिल पर पीसा हो। मिक्सी के जार में एकदम महीन हो जाती है, और ये गया बढ़िया सी झाग के लिए 1 चम्मच सरसों का तेल, इससे बहुत अच्छी चटनी लगती है। अब मैं इसको पीस लूँगी और फिर हम बलूरे सेकेंगे। ये देखिए बढ़िया सी यहाँ पर चटनी पिसकर तैयार हो गई है हमारी बलूरे के लिए, और इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसा है मैंने, बहुत अच्छी जीरे वगैरह की खुशबू इसमें आ रही है। अब इसको मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़े से बना रही हूँ अभी चाय के साथ नाश्ते के लिए, तो मैंने इस तरह से पैन ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आप गहरी सी कढ़ाई लीजिए, और यहाँ पर हम बढ़िया से भरकर तेल डालेंगे ताकि हमारे बलूरे अच्छे से सिकें। यहाँ पर तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, और अब ये एक एक पीस मैं उठाऊँगी और यहाँ पर इस तरह से हम जो हमने बेसन का घोल तैयार किया है उसमें डालकर कोट करेंगे अच्छे से, और इस गरम तेल में डालकर इन्हें हमें धीमी आंच पर, तेल गरम आंच धीमी, और फिर हमें बनाने हैं ये टेस्टी से बलूरे। हलवाई वगैरह तो इसको हाथों से ही फटाफट डालते जाते हैं।
जब हम इन्हें सेकेंगे तो थोड़ा सा दूर दूर ही रखेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। आप देख सकते हैं किसी में भी यहाँ वहाँ कोई हिस्सा बाहर नहीं निकला है बेसन का, ये देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से सिककर तैयार होते हैं। धीमे धीमे आप सेकिए तो अंदर तक छोटा छोटा आलू होता है, बढ़िया से पक जाता है वो भाप में। इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए भी सेक कर फिर हम प्लेटिंग करेंगे। लीजिए, यहाँ पर बनके तैयार हो गए हैं हमारे टेस्टी से बलूरे। और अब ये देखिए, साथ में ही यहाँ पर मैंने जो स्पेशल सी चटनी बनाई है वो भी रेडी है। तो अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे।